Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about gastrulation of human embryo and parturition of fetus. In previous lecture, we have discussed how the blastocyst implant in uterus. Today, we will continue from previous lecture from implantation of the blastocyst in the uterus. That was occur on the 7th day of fertilization. It means first week of the fertilization was completed. Now the second week of fertilization has been started. Actually, previous lecture में हमने discuss किया था कि सबसे पहले fertilization होगी. Fertilization होने के बाद 2N cell बनता है और उसको हम zygote कहते हैं. जाइगोट जो है उसमें क्लीविज स्टार्ट हो जाती है और क्लीविज स्टार्ट होने के बाद वो मरूला में चला जाता है. जब 8 या 10 सेल होंगे तो उस स्टेज को हम मरूला कहेंगे. चौथे दिन ये जो मरूला है ये यूट्रस में मूव करना शुरू कर देता है और 7वें दिन ये जो मरूला है ये बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है कि ये जो सेल्स हैं वो पेरिफ्री में मूव करते हैं और कुछ सेल्स सेंटर में होते हैं जिसको हम इनर सेल मैस कहते हैं और सेंटर वाले जो पेरिफ्री के सेल्स हैं उनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स कहते हैं. 7th डे यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है. अब इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट हैं इसमें फर्दर क्या चेंजेस आती हैं ये हमने फर्दर डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो एक 2N सेल है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाता है और ऑर्गेनिज्म बनने के बाद उसकी पार्चुरेशन यानी कि उसकी डिलीवरी किस तरीके से होती है और कब होती है. सेकेंड वीक में होता क्या है कि सबसे पहले जो चेंज आता है हमने इसी सेल को जो कि प्रीवियस डिस्कस किया है कि यहाँ पे ये ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हुई है. अब इसी सेल को हमने आगे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वही सेल. अब ये वाला जो बाहर वाली लेयर है इसको हमने ट्रोफोब्लास्ट कहा है और जो ये वाले सेल्स की लेयर है इसको हमने इनर सेल मैस कहा है. सबसे पहली जो चेंज है ये तमाम चीजें 8वें दिन हो रही हैं. आप 8 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन ये चेंजेस आ रही हैं. ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो ट्रोफोब्लास्ट है इट डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स. द पहली जो लेयर है उसको हम कहेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट और जो सेकंड लेयर है उसको हम कहेंगे सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, जो सेंसिशियो है, सेंसिशियो हम इसलिए कहते हैं कि अगर एक सेल है उसमें साइटोकाइनेसिस ना हो लेकिन उसमें कैरियोकाइनेसिस हो तो जाहिर है जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हमारे पास आ जाते हैं. तो ये जो सेल है ये क्या बना, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, अब सबसे पहला जो चेंज आ गया वो ट्रोफोब्लास्ट और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में आया. अब जो इनर सेल मैस है इट विल ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स. जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम कहेंगे ये एपिब्लास्ट है. जो इनर सेल मैस है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड कर गया है. एक जो है वो एपिब्लास्ट बनाता है और जो दूसरी लेयर है वो हाइपोब्लास्ट बनाता है. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड हुआ है और जो इनर सेल मैस है वो भी दो लेयर्स में डिवाइड हो चुका है. फर्दर क्या होगा कि जो हमारे पास एपिब्लास्ट है वो फर्दर और दो लेयर्स में डिवाइड होगा और ऊपर वाली जो एपिब्लास्ट की लेयर है इसको हम कहेंगे ये लेयर है हमारे पास एमनियन और जो नीचे वाली है इसको हम एपिब्लास्ट ही कहेंगे. फिर इसके जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं वो दरमियान से स्प्लिट करके साइडों पे चले जाएंगे और बीच में एक कैविटी रह जाएगी. इस कैविटी को हम कहेंगे एमनियोटिक कैविटी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पूरा सिनेरियो जब आप देखो तो ये जो सेल्स हैं ये ट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है. ये वाले जो सेल्स हैं ये सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है. ठीक है, उसके बाद जो ये वाला लेयर आपको नजर आ रही है ये हाइपोब्लास्ट है और यहाँ पे ये एपिब्लास्ट की लेयर थी जो कि दो लेयर्स में डिवाइड हो गई है. ऊपर वाली जो लेयर है इसको हम एमनियन कहेंगे, नीचे वाली जो लेयर है इसको हम एपिब्लास्ट कहेंगे और जो दरमियान में कैविटी है इसको हम एमनियोटिक कैविटी कहेंगे क्योंकि इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता है
जो एपिब्लास्ट है वो भी उसके सेल्स भी साइडों पे मूव करना शुरू कर देते हैं। अब अगर ये सेल साइडों पे मूव करेंगे तो ये एक कैविटी बनाएंगे जिसको हम यॉर्क कैविटी कहेंगे या यॉर्क सैक कहेंगे। तो हाइपोब्लास्ट ने यॉर्क सैक बनाई है जबकि जो एपिब्लास्ट है उसने एमनियोन बनाई है। ठीक है, बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीन होती है, एक एमनियोन है, ठीक है, दूसरी हमारे पास कोरियोन होती है, तीसरी एलेंटोज होती है और यॉर्क सैक होती है। अब यॉर्क सैक भी बन गई है यहाँ पर और एमनियोन भी बन गई, लेकिन अभी भी दो लेयर्स हमारे पास हैं, कोरियोन भी बनानी है और दूसरी क्या है, एलेंटोज। अब यॉर्क सैक भी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, जब यहाँ पे यॉर्क सैक बनेगी उसके बाद क्या होगा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बननी है। अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं यॉर्क के, यॉर्क सैक के जो सेल्स हैं ये दोनों साइडों पे मूव करेंगे और करेंगे क्या कि यहाँ पे एक तो ये इसको कवर कर रहे हैं और दूसरा ये एमनियोन को भी कवर कर रहे हैं, तो एमनियोन को भी कवर कर रहे हैं और दूसरा ये एपिब्लास्ट, ये जो यॉर्क सैक है इसको भी कवर कर रहे हैं। तो इन सारी लेयर को हम कहेंगे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गई है। फिर बाद में क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये स्प्लिट करेगी और एक कैविटी बना देगी और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिर्फ और सिर्फ साइडों पर रह जाएगी और मिडल में रह जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये दरमियान में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म थी, यहाँ से ये स्प्लिट हुई, ये दरमियान में पेरिफ्री में चली गई और यहाँ पे दरमियान में रह गई है। अब ये वाली जो मेसोडर्म है ना, दिस इज अ फ्यूचर अम्बेलिकल कॉर्ड, जो अम्बेलिकल कॉर्ड बनना है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अम्बेलिकल कॉर्ड बन गया, इन फ्यूचर होगा क्या कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि पहले सेंसिट्रोट्रोफोब्लास्ट थी, उसके बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये तीनों मर्ज करेंगी और एक लेयर बनाएंगी, वो है कोरियोन, ठीक है। सेंसिट्रोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों ही कोरियोन बनाती हैं। कोरियोन बनाने के बाद ये जो तीनों लेयर्स हैं वो क्या करेंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आ जाएंगी, यानी कि वो बनाएंगी कोरियोनिक विलाए, ठीक है, कोरियोनिक विलाए बना देंगी यहाँ पे। कोरियोनिक विलाए बनाने के बाद जो यॉर्क सैक थे, यॉर्क सैक के कुछ सेल्स जो हैं वो अम्बेलिकल कॉर्ड में मूव करेंगे और यहाँ पे वो बना देंगे हमारे पास एलेंटोस, ठीक है। और एलेंटोस का काम होता है कि उसने जो वेस्ट प्रोडक्ट है फीटस का उसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है। 9वें दिन ये कोरियोनिक विलाए बन जाती है, ठीक है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये तमाम जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, ये सारा के सारा प्रोसेस यूट्रस के अंदर होगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि कोरियोनिक विलाए बनने के बाद यहाँ पे प्लेसेंटा ने डेवलप करना है, और प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर। अब प्लेसेंटा में दो चीजों की कंट्रीब्यूशन होती है, एक तो कोरियोनिक विलाए की होती है और दूसरी मदर साइनोसिट की होती है, जो मदर का ब्लड साइनोसिट है उसकी होती है। साइनोसिट का एक्चुअली मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल ने स्वेल करना होता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, इट इज अ सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है वहां पे एक कैविटी बनेगी, ठीक है। अब इस कैविटी में जो मदर का ब्लड है वो आएगा और बेबी को वो सप्लाई किया जाएगा, लेकिन कभी भी मदर का ब्लड बेबी के ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, क्योंकि ये जो आपको ब्लैक कलर में लेयर नजर आ रही है ये इसको प्रिवेंट करती है मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। अब जो प्लेसेंटा है वो डेवलप हो चुका है, अब जितनी भी न्यूट्रिशन है, वेस्ट प्रोडक्ट है, गैसेस एक्सचेंज है, ब्लड है, ये तमाम चीजें मदर ही सप्लाई करेगी फीटस को, क्यों, जब तक उसके अपने ऑर्गन्स नहीं बनते मदर से ही ये तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो है एक्चुअली किन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, यहाँ पे हमने एलेंटोज के बारे में डिस्कस किया कि यॉर्क जो है वो यॉर्क सैक के जो कुछ सेल्स हैं वो मूव करते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड में और वहां पे एलेंटोज बना देते हैं, ठीक है। अब प्लेसेंटा मेजरली किन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, एक तो ये HCG को रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोफिन को। अब इसका काम क्या होता है,
हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि पहले LH जो है वो रिलीज होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन को रिलीज करवाता है, ठीक है, और वही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जब LH का लेवल कम होगा तो उस वक्त जो HCG है वो रिलीज होगा और HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टिरोन को रिलीज करता है और प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा जो है वो HPL है, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। अब आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि जो ब्रेस्ट का साइज है फीमेल में वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो लैक्टोजिन है उसको सेक्रेट करना है फॉर ग्रोइंग फीटस। जो मदर की बॉडी में जब तक बेबी रहेगा तब तक तो प्लेसेंटा उसको फीड प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी आफ्टर पार्चुरेशन जो मदर है वो उसको फीड देती है। तो इसलिए प्लेसेंट ये सारे के सारे हॉर्मोन्स जो HCG है, HPL और रिलैक्सिन, ये हॉर्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज होते हैं, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अदर देन प्रेगनेंसी भी रिलीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिलैक्सिन है इसका काम क्या होता है, रिलैक्सिन ने जो सर्विक्स का डायमीटर है इसको डायलेट करना होता है ताकि जो बेबी की पार्चुरेशन है वो इजीली हो सके, ठीक है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद होगा क्या कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एपिब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट बन गया, कोरियोन, एलेंटोज और एमनियोन, ये तमाम चीजें बन चुकी हैं। अब हमने मेजरली तीन जर्म लेयर्स बनानी है, जिन तीन जर्म लेयर से पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। अब होगा क्या, एक लेयर ऊपर वाली थी एपिब्लास्ट और नीचे वाली थी हाइपोब्लास्ट, और हाइपोब्लास्ट ने यहाँ पे यॉर्क सैक बना दी थी। डियर स्टूडेंट, ये जो हाइपोब्लास्ट है ना ये भी खत्म हो जाएगी, और एपिब्लास्ट जो है ना ये फ्यूचर में एक तो एक्टोडर्म बनाता है, दूसरा मेसोडर्म बनाता है, और जो हाइपोब्लास्ट है ये फ्यूचर में एंडोडर्म बनाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो एपिब्लास्ट के सेल्स हैं वो सेंटर में मूव करना शुरू कर देते हैं और ये एक स्ट्रीक बनाएंगे और यहाँ पे एक ग्रुप एक बना देंगे नोड। अब ये जो नोड नजर आ रहा है यहाँ से बनेगा एम्ब्रियो का हेड और नीचे वाली साइड से बनेगा उसका जो सर ऊपर वाला सर वाली साइड है और नीचे वाली जो है वो पाँव वाली साइड बन जाएगी। उसके बाद यही जो सेंटर में सेल्स हैं वो नीचे की तरफ भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ऊपर वाली साइड है ये तो एक प्रिमिटिव स्ट्रीक उन्होंने बना दी, ऊपर वाली लेयर को अब हम कहेंगे ये एक्टोडर्म है, ये जो रेड वाली नजर आ रही है ये मीजोडर्म बनेगी, और जो येलो वाली लेयर है अब इसको हम कहेंगे ये एंडोडर्म है, ठीक है। ये एक्टोडर्म बन गई, मीजोडर्म बन गई और एंडोडर्म भी बन गई। अब तीन लेयर्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये तीन लेयर्स ही बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को बनाती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट मंथ में बेबी का हार्ट बन जाता है, ठीक है, और हार्ट की फॉर्मेशन ही ये शो करती है कि जो बेबी है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो लाइव है कि नहीं। सेकंड मंथ में उसकी लिम्स और डिजिट बनती हैं, मतलब बाजू और टांगे बनती हैं और उसके फिंगर्स बनती हैं। थर्ड मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मेजर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, ठीक है। पांचवें महीने हम उस बेबी की फर्स्ट मूवमेंट को फील कर सकते हैं और उसके हेड पे हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सिक्स मंथ उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स आते हैं, आई लैशेज बनती हैं, आई लैशेज सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, आईलिड सेपरेट होती हैं, आई लैशेज बनती हैं। और सेवन्थ मंथ में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि लंग्स हैं वो फुली डिवेल्प करते हैं, और उसके बाद जो पूरी के पूरी बॉडी का सिस्टम है वो 9 मंथ तक कंप्लीट हो जाता है। अब 9वें महीने तक जब ये तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी ये इस तरह की चेंजेस आपको कुछ नजर आएंगी, ठीक है। अब पहले जो फीचर्स है हम पहले से लेके 3 महीनों तक इसको हम एम्ब्रियो कहेंगे, आफ्टर 3 मंथ टिल 9 मंथ हम इसको फीचर्स कहेंगे, ठीक है, और डिलीवरी के बाद पार्चुरेशन के बाद हम इसको एम्ब्रियो बेबी कहते हैं। अब इसकी जो पोजीशन है पहले इस तरीके से होती है, फिर ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ताकि पार्चुरेशन इजीली हो सके। अब होता क्या है कि जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो जो फीटस है फीटस का GnRH गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस का है ये प्लेसेंटा से पास करता है और मदर के पिच्यूटरी पे जाके एक्ट करता है कि अब प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन को रोक दिया जाए,
जब प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन रुक जाएगी तो वहां से वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा तो यूट्रस की वॉल डायलेट करेंगी और इट विल हेल्प इन पार्चुरेशन ऑफ द बेबी। ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा ये सिग्नल देगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उतना ही ज्यादा यूट्रस की डायलेशन होगी। इस फीडबैक को हम कहते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन न्यूरो हाइपोफाइसिस सेक्रेट करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ही पार्चुरेशन में हेल्प करता है और पार्चुरेशन जो है उसमें 350 क्यूबिक मीटर ब्लड रिलीज होता है, ठीक है। इस तरीके से जो बेबी है उसकी पार्चुरेशन होती है और उसके बाद फीटस के बाद इसको हम क्या कहेंगे, बेबी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।